तो दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट को लेकर क्या अपडेट आ रही है, बीएड से दोस्तों क्या अपडेट है, बहुत से बच्चे बीएड करना चाहते होंगे 2024 में, 1 अप्रैल से हो रहे हैं 4 जरूरी बदलाव, उन सभी को भी देखेंगे हम इस वीडियो में। शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक मामले में ईओयू ने पटना व हाजीपुर सहित कई जिलों की छापेमारी की है। देखिए दोस्तों आजकल जो वैकेंसी आ रही है शिक्षक भर्ती का भी पेपर अब आउट हो जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप में से भी बहुत से बच्चे आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती का पेपर देंगे या बहुत से बच्चे डीएलएड 2021 बैच के भी कुछ बच्चे हो सकता है पेपर में सम्मिलित हुए हो। लेकिन यहाँ पर ये समझिए अगर आपका पेपर आउट हो जाएगा तो फिर आपकी नौकरी कैसे लगेगी, ठीक है ना। धांधली से कमजोर छात्र और जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, नुकसान दोनों को होता है, कमजोर बच्चों की भी नौकरी लग जाती है, ऐसा नहीं है। आपको बता दें दोस्तों बिहार में जो पहले अटेम्प्ट में 79943 पदों पर वैकेंसी आई थी, तकरीबन 80,000 पद थे, तो यहाँ पर 120 नंबर में से जो बच्चे 39 नंबर तक पाए थे उनको भी नौकरी मिल गई थी, 120 में से 39 नंबर। सोचिए क्या किस्मत रही होगी उन बच्चों की। लेकिन जब पेपर आउट होगा, पेपर लीक होगा ना, तो ऐसी चीजें आप नहीं देखेंगे, फिर 120 में से 80 से कम में तो भूल ही जाए। जब पेपर आउट हो गया, बट गया, अच्छे से प्रॉपर तैयारी करा दी गई उसकी, फिर दिक्कत में आएंगे। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति में स्थिति स्पष्ट करे बीपीएससी, रिजल्ट रद्द करने की मांग है, हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा, पूरी अपडेट अभी हम देखेंगे, ठीक है। सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के बाद विद्यालय होगा आवंटित, ये अपडेट बिहार से है। तो बिहार के दोस्तों कुछ ज्यादा ही अपडेट्स रहती है। आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कुछ अपडेट्स हैं नौकरी को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में करे आवेदन 83 पद है। डीआरडीओ ने जारी किया विज्ञापन 60 पद है। बैंक ऑफ इंडिया 143 पद, ठीक है। तो जम्बई यूनिवर्सिटी में 42 पद दिख रहे हैं। जीआरएससी में अभ्यर्थी करे अप्लाई 28 पद है, ठीक है। छोटी मोटी वैकेंसी आप देख सकते हैं। सम्मित स्कूटनी फॉर्म, अगर अभी तक आपने स्कूटनी के ऑनलाइन आवेदन नहीं कराया कॉलेज के माध्यम से, जरूर करा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लास्ट डेट देख सकते हैं 3 अप्रैल, यहाँ पर देखिए 20 मार्च से आवेदन शुरू हुआ है, ठीक है, 3 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द कॉलेज से संपर्क कर लीजिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और दोस्तों जो हमारा रिजल्ट था, ये सब है। सीटेट में क्या है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लगभग अंतिम, ठीक है, अंतिम होने वाली है, 2 अप्रैल को लास्ट डेट है, देख सकते हैं 2 अप्रैल, ठीक है। तो अगर आप लोग सीटेट में आवेदन करना चाहते हैं, देखिए बहुत से बच्चे आवेदन करना ही पड़ेगा, अगर आपने डीएलएड कर लिया है, अगर अभी तक आपका टेट क्लियर नहीं है तो आपको सीटेट पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप वैकेंसी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यूपी में वैकेंसी आती तो यूपी टेट से भी काम चल जाएगा, लेकिन जब यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन ही नहीं हो रहा है तो फिर इंतजार करना कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको आवेदन का मौका मिले आवेदन करिए, आगे बढ़िए। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की योजना नहीं, संदीप जी कह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यूपी में आप देख सकते हैं वैकेंसी नहीं आ रही, तो जहां आ रही है हमें वहां से नौकरी ले लेनी है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिए, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना वो इंतजार नहीं करते, बहुत से बच्चे केवीएस में सिलेक्ट हो गए, केवीएस पीआरटी में, हो सकता है कि अभी दोस्तों उनकी भैया देश के किसी भी कोने में नौकरी आज लग गई हो, लेकिन जब वो यूपी की वैकेंसी आएगी ना तो अपने आप को स्विच कर जाएंगे, ठीक है, वो चेंज कर लेंगे कि भैया यूपी में वैकेंसी आई है, केवीएस जैसी नौकरी बच्चे छोड़कर अपने घर आ जाएंगे। देखिए घर से दूर रहकर किसी भी नौकरी में मजा नहीं आता, लेकिन हाँ जब तक रोजगार नहीं है तब तक भैया कहीं पर भी जाना पड़ेगा देश के किसी भी कोने में, लेकिन हाँ जब वैकेंसी आएगी। देखिए अभी बहुत से बच्चे, आपको पता होगा यूपी के बच्चे बीपीएससी के माध्यम से बिहार गए, इंतजार करिए दोस्तों यूपी में वैकेंसी का, देखिएगा ताबड़तोड़ सभी बच्चे भागकर यूपी आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा परमानेंट वहां नौकरी करने नहीं गया, लेकिन ये था कि अभी नौकरी नहीं है तो जहां मिले वही कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी तो आप लोग का जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान भी नहीं होगा। जरा देखिए शिक्षक भर्ती में धांधली होती तो क्या होता है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के 3रे चरण के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की छापेमारी जारी है। हजारीबाग और पटना में पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में मिली निशानदेही पर ईओयू की विशेष टीम पटना हाजीपुर समेत विभिन्न जिलों में छापेमारी कर रही है। पेपर लीक में उत्तर प्रदेश और कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी सामने आई है। इसको देखते हुए जल्द ही विशेष टीम संबंधित आरोपियों की तलाश में यूपी और बंगाल जा सकती है। आर्थिक अपराध इकाई सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में पेपर लीक में ऐसे गिरोह की संलिप्तता सामने आई है जो पहले भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुके हैं। देखिए दोस्तों पेपर लीक होते रहेंगे, ठीक है, तो आपको एक बेहतर तैयारी भी करनी है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी सीटेट का हमारा जो एग्जाम हो रहा है जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 90 नंबर,
बाकी आरक्षित वर्ग के आप छात्र हैं ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के तो आपको पास होने के लिए लाना पड़ेगा 82 नंबर, ठीक है। फीमेल में अलग छूट मिलती है, ये बिहार में स्पेशल मिल जाती है, ठीक है। बिहार में कभी कभी फीमेल को 75 पर भी पास मान लिया जाता है, तो ये अलग अलग रहती है। सरकार के पास देखिए एक अलग से पावर भी होती है ना, जैसे वहाँ पर फीमेल की छूट कम कर दी गई। इस वीडियो में हम 30 मार्च ठीक है और 31 मार्च की कुछ अपडेट्स देख रहे हैं, 30 मार्च सुबह से लेकर रात तक की और 31 मार्च की। तो देखिए अभी तक अगर आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया डीएलएड का तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आती है या कुछ भी सीटेट के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको डीएलएड रिजल्ट की जरूरत पड़ रही होगी, ठीक है। बिना डीएलएड रिजल्ट के काम कैसे होगा, ठीक है। चारों सेमेस्टर के नंबर आप लोग जोड़ रहे होंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। नई शिक्षक भर्ती नियमावली जारी, शिक्षक बनने के देखिए इस बार हो रहा है कि पेपर में अति लघुतरी प्रश्न आ सकते हैं। अब आपको लगेगा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में हो भी चुका है, ठीक है। 69,000 भर्ती में भी अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, 69,000 में फिर क्या हुआ, पेपर बहुविकल्पीय माध्यम से हुआ, इसमें क्या हुआ था, पेपर में अति लघुतरी प्रश्न थे। तो हो सकता है जब 2024 में ठीक है या 2025 में जो भी वैकेंसी आए इस बार भी अति लघुतरी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, आपको आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा कि यार अति लघुतरी प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में बड़ी धांधली के आसार थे, काफी बार कॉपियों को रीचेक किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता लेकिन इस वैकेंसी में बहुत बार ऐसा देखने को हमें मिला, ठीक है। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 7 मई तक, 4 से लेकर 10 जून के बीच होगी परीक्षा, 10 जुलाई से काउंसलिंग की तैयारी है, शासन के पास भेजा गया प्रस्ताव, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल और वाइवा 4 अप्रैल से होंगे। बीएड परीक्षा के फॉर्म भरने को पोर्टल खोलेगा विश्वविद्यालय, तो ये मेरठ से अपडेट निकल कर आई, ठीक है ना। तो बीएड में देखिए इस साल उतने आवेदन आपको देखने को वैसे भी नहीं मिलेगा, आप सभी बच्चे डीएलएड की तरफ ही रहेंगे। और देखिए परीक्षा डेट शीट को लेकर के अपडेट है, जरा इसको हम समझ लेते हैं कि हमारा पेपर कब तक जा सकता है, ठीक है। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, देखिए हमारा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, ये 100% क्लियर है। अब सवाल उठेगा हमारा सेकेंड और फोर्थ को लेकर, दोस्तों क्या इस बार सेकेंड और फोर्थ का पेपर होगा कि नहीं, ये एक सवाल है। फर्स्ट थर्ड का होगा ये बात तो 100% से हो रहा है, लेकिन सेकेंड और फोर्थ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पेपर अप्रैल में होगा या पेपर मई तक जाएगा, ठीक है, एक बार जरा ध्यान रखिएगा। पेपर का मई में होने में चांस ज्यादा है, ठीक है, अप्रैल में मान लेते 50% हो तो मई में ये चांस हो जाएगा 90% 99 तक, ठीक है। तो लेकिन आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, पेपर के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहेंगे क्योंकि उधर हमें 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम देना है, ठीक है। तो 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम है, बैक पेपर की भी डेट आई नहीं है डीएलएड में, उसके लिए देखिए जो हमारा सेकंड और फोर्थ की बात हो रही है ना, तो ये बैक पेपर के बेसिस पर रखा जा सकता है पेपर। फिलहाल देखिए वीडियो के अंत में एक बात आपको बताते चले, तो अप्रैल में पेपर होने के आसार रहेंगे लेकिन ज़्यादा आसार मई में है, ठीक है, जब हम लोग एकदम श्योर हो जाएंगे कि पेपर होगा ही होगा, ठीक है। रिजल्ट है डीएलएड का, उसका डाउनलोड कर लीजिएगा, dlredresult.com वेबसाइट आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और अपडेट देखिए कि 1 अप्रैल से कौन से बदलाव हो रहे हैं, जरा देखिए। नए वित्त वर्ष यानी 2024-25 की शुरुआत सोमवार से हो रही है, 1 अप्रैल से 4 प्रमुख वित्तीय बदलाव हो रहे हैं। इनमें म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, एनपीएस, बीमा से लेकर फास्टैग, केवाईसी तक शामिल है, ये सभी बदलाव आप पर असर डाल सकते हैं, देखिएगा आने वाले टाइम में। चलिए दोस्तों फिलहाल सीटेट का पेपर जो हो रहा है ना जुलाई में, और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, शिक्षक भर्ती में भी हमें निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा आप लोग। और डीएलएड में दोस्तों 2024 में जो हमारा एडमिशन होगा वो भी मेरिट के आधार पर ही होने के आसार है, कुछ नया प्रोसेस बन नहीं रहा है, तो कि एंट्रेंस एग्जाम होगा बहुत से बच्चों में डाउट है, तो फिलहाल ऐसा नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।